अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से है ना शिवेन, कई नेचुरल फिनोमिना की घटनाएं घटेंगी जो हमको सीखनी और पहचाननी है। शुरू करेंगे हम लोग पहली फिनोमिना से, जिसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन में घोटा था है ना, हो सकता है उसमें पता भी ना हो कि ट्विंकल का मतलब क्या होता है। हमने जब घोटा था बहुत छोटे में अपने समय में तो पता ही नहीं था कि ट्विंकल होता है क्या। अरे हटाओ मैडम लगी हुई है घोटो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी बड़े होते समझे ट्विंकल मतलब टिमटिमाना, अब तो बच्चों को मालूम रहता हो। हम लोग से बचपन में घोट लो जैसा है हम्प्टी डम्प्टी सैटर्न वॉल था ना, ये सब कई लोग भूल चुके हैं, तब याद किया था सर ना, अब याद है हमको, कर लो जो करना है। एनीवे बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अंशिका ने याद किया होगा ट्विंकल ट्विंकल स्टार, पूरा सुना भी सकती है लेकिन हम इससे पूछेंगे नहीं। तो ट्विंकल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या था, तारों का टिमटिमाना। तो तारे टिमटिमाते क्यों हैं, सवाल ये उठेगा अभी। तो तारे टिमटिमाते क्यों, ये हम दिखाते हैं आपको। अब देखिए, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पहला फिनोमेना हम लोग एनालाइज करते हैं या बात करते हैं, और इसका एक सेकंड पार्ट भी है, इसको समझाने के बाद उसकी चर्चा मैं करूँगा। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जैसे हम बात कर रहे थे, तारों का टिमटिमाना, तो तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं, देखिए पहले समझते हैं फिर जो लिखा आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे आप लिखना भी सीख जाएं। मान लीजिए कोई बहुत तारा तो बहुत दूर होता है, सन से भी बहुत दूर होगा तारा तो, है ना, कहीं इसीलिए छोटा भी दिखता है वो। तो मान लीजिए कहीं पर ऐसे ये कोई तारा है, स्टार है। अब स्टार से ये बहुत सारी लेयर्स हैं, किस चीज़ की लेयर है बेटा, और आगे वैक्यूम भी होगा, हर जगह हवा थोड़ी भरी रहेगी, आगे वैक्यूम भी होगा, वैक्यूम मतलब जहाँ कुछ नहीं सन्नाटा। तो यहाँ से ये तारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये किसी और की लाइट नहीं, खुद लाइट निकाल रहा है, जैसे कि सूरज निकालता है। अभी लाइट इसने निकाली, अब लाइट निकाली, अब ये जो एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं ये फिक्स्ड नहीं रहती एक जगह की, क्या आप सोचे कि इसकी अगर ऑप्टिकल डेंसिटी एक्स है तो ये हमेशा एक्स बनी रहेगी, नहीं, क्योंकि टेम्परेचर वैरी करता रहता है, बहुत सारी हलचल होती रहती है एटमॉस्फेयर में। तो अगर एक्स है तो कुछ ही एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद एक्स की जगह एक्स प्लस 2 मिल जाएगी, तुरंत ही पता लगा एक्स प्लस 5 हो गई। तो ये बदलाव होता रहता है। तो ये बदलाव होने का मतलब क्या हो गया कि हर लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी बदलती रहती है। तो ये लाइट जैसे चली, कुछ रिफ्रेक्टर मान लो रिफ्रेक्शन हुआ ऐसे ऐसे कुछ करके, ऐसे सपोज करिए आप यहां खड़े हैं, आपको समझाने की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर ले लो, यहाँ आप खड़े हैं और आपने के पास लाइट ऐसे पहुंची, रिफ्रैक्शन होते होते पहुंचेगी ना, ठीक है। अब इस समय जब ये लाइट पहुंची तो बाई चांस ये लाइट ज़्यादा पहुंची, भाई जैसे लाइट कम पहुंचना ज़्यादा पहुंचना समझ रहे हो, मान लीजिए 100 रेज निकली समझाने के लिए, तो इस समय 100 में से 80 रेज पहुंच गई अब तक, तो थोड़ा ब्राइटनेस दिखने लगी कि हाँ भाई बढ़िया दिख रहा है, चमक रहा है ना। और उसी के अगले ही पल क्या हुआ कि यहाँ पर इनकी डेंसिटीज बदली एटमॉस्फेयर की, और जो रे तुम तक आ रही थी यहाँ आने की जगह कुछ हुआ कि बाजूम चली गई, 100 में से 90 रेज इधर चली गई, केवल 10 ही मिली आपको। तो एक अगले पहले पल हमको दिख रहा था कि 80 रेज आ रही हैं और अगले ही क्षण हमको क्या लग रहा है 10 ही आ रही हैं। तो एक बार तो खूब ब्राइट दिखा और अगले ही पल क्या दिखा, बहुत कम ब्राइट दिखा। और कभी कभी ऐसा होगा कि कोई रेज ही ना आए तो उस समय दिखेगा ही नहीं, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 100 में 100 की आ जाए, अगर हो जाए तो जब 100 में 100 आएगा तो एकदम ब्राइट, और 100 में 0 आया तो गुप, यही तो टिमटिमाना है, एक बार जला एक बार बुझा, एक बार जला एक बार बुझा, असल में जल बुझ नहीं हो रहा है, असल में वो परमानेंट जल रहा है ना, असल में वो परमानेंट जल रहा है, लेकिन आप तक जो रेस पहुंच रही है वो रेस ड्यू टू डिपेंडिंग ऑन दी एटमोसफियर डेंसिटीज, ऑप्टिकल डेंसिटीज, कभी बहुत ज़्यादा पहुँच रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम पहुँच रही हैं, इस वजह से उसमें टिमटिमाहट दिखती है, ट्विंकलिंग दिखती है, आप समझ पाए क्या, ठीक है। अब इसको ये मैंने क्यों लिखा, जिससे कोई बच्चा इसको नोट करके लिख पावे, नहीं तो समझ तो क्या मतलब लिख ही नहीं पा रहे, मेरी भावनाओं को समझिए, शब्दों का ज्ञान कम है मुझे ना, ये ना समझते हुए ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन ऑफ स्टार्स लाइट, स्टार लाइट का मतलब स्टार के पास खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट है ना। दूसरा पॉइंट,
द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमोसफियर, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग का मतलब है टेम्परेचर, हाइट एंड मैनी थिंग्स आर चेंजिंग, दैट्स वाई द ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ ईच एंड एवरी लेयर इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. समझ पाए क्या बताया कि इस लेयर की अभी कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगी. चेंजिंग एटमोसफियर रिफ्रैक्ट्स द लाइट फ्रॉम द स्टार्स बाई डिफरेंट अमाउंट. डिफरेंट मतलब एक बार ज्यादा आप तक पहुंची, एक बार कम पहुंची, फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर. ये भी बात समझ में आई. तीसरी बात, द स्टार लाइट रीचिंग अवर आईज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन एंड द स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल एट नाइट. क्या ये बात पूरी तरह समझ में आई है? ठीक है ना, इसलिए ट्विंकलिंग हो रही है कि वहां की लाइट हम तक इंक्रीज और डिक्रीज लगातार हो रही, तो टिमटिमाना बोलते हैं.